अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां शक्ति चेतना मंच के कार्यकर्ताओं ने दतिया स्थित पंडोखर सरकार के महंत गुरु शरण शर्मा का पुतला फूंका। इस दौरान विरोध करने वालों ने कहा कि पंडोखर सरकार के महंत गुरु शरण शर्मा के द्वारा सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। पैसे लेकर बीमारी दूर करने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा देवी देवताओं का भी अपमान किया जाता है। इतना ही नहीं, जगत जननी जगदम्बिका का भी अपमान किया है। आपको बता दें कि पंडोखर सरकार और व्यवहारी स्थित शक्तिपुत्र आश्रम के बीच आरोप प्रत्यारोप लंबे समय से चल रहा है। आइए सुनाते हैं ज्ञापन सौंपने वालों ने क्या मांग की है। पहले सबसे जय माता की, जय गुरुवर की। आज जो ये ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, इसके पीछे एक दतिया में पंडोखर सरकार के नाम से एक आश्रम है, जिसका महंत गुरु शरण शर्मा है, जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, हिंदू समाज को बदनाम कर रहा है, और पर्ची बना बना के गरीब असहाय निर्धनों को लूट रहा है। आपके पास कोई समस्या है तो वो कहता है हमें 50,000 दे दो, हम तुम्हारी समस्या हल कर देंगे, और देवी देवता हमारे बूट की पालिश करते हैं। ऐसे उन्होंने पूरे जगत जननी जगदम्बा को भी उन्होंने कहा कि हमारे बूट की पालिश करते हैं, इसलिए आज लाखों लाख लोग पूरे भारत देश में उसके खिलाफ हम लोग ये आवाज उठा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन हम माननीय तहसीलदार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं कि इसकी जांच हो, इसके साथ बड़ी से बड़ी कार्यवाही हो कि हमारा हिंदू समाज बच जाए, हमारा सनातन धर्म बच जाए। हमारे सनातन धर्म का एक लक्ष्य है कि सबका सबके परोपकार करें, सबको हम सही मार्ग दें, सबको सही दिशा बताएं। इस ओर जब हमारे परम पूज्य परमहंस योगी राज श्री सद्गुरु जी महाराज ने इसमें आवाज उठाई तो वो पंडोखर सरकार गुरु शरण शर्मा बौखला गया, और बौखला के अनाप शनाप सबको बोलने लगा, जिसके कारण आज ये भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के तत्वावधान में इस रीवा जिला में इसका पुतला दहन किया गया, और इसको हम लोग जूते से चप्पल से मार के और इसको हम लोगों ने दहन किया है। और मैं प्रशासन से चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से चाहता हूँ कि इसकी पूरी जाँच हो, कि इसका क्या कारनामा है, और इसके पीछे हजारों लोगों ने बता के रखा है कि हमारा ये शोषण किया है, हमारा ये लूटा है, गरीब लोगों को जो अपना जमीन बेच के अपना घर बेच के इसके वहां गए और ये इसने उनको लूटा, 25,000 के नाम से, 50,000 के नाम से, 1,00,000 के नाम से इसने लूटा है। इसके के खिलाफ हम लोग ये आज यहाँ पर ये रैली यात्रा निकाले हैं। नाम मेरा हीरा लाल उर्मलिया है, हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के रीवा के जिला अध्यक्ष हैं। आज भगवती कल्याण संगठन जिला रीवा की इकाई के द्वारा पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर सर के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन जो है ये पंडोखर सरकार जो हैं गुरु शरण शर्मा जी जो संचालक हैं वहाँ के, उनके विरोध में ज्ञापन 11 बिंदुओं पर प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में ये कहा गया है कि जो गुरु शरण शर्मा जी हैं उनके द्वारा महिलाओं को लेकर के अपशब्द का प्रयोग किया जाता है सार्वजनिक तौर पर, और साथ में पैसे के लेकर के डिमांड की जाती है कि आप पैसा दो और हम आपका काम करवा देंगे, और अन्य लोगों को भी जो धर्म है सनातन धर्म है उसको लेकर के भी विवादास्पद शब्दों का प्रयोग वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। उसी के संबंध में ये संगठन के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, द्वारा उचित माध्यम से अग्रेषित कर दिया जाएगा।